तो कैसे हैं आप सब। एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज़ में हम लेक्चर नंबर 7 आज देखेंगे, राज ऑफ महाजनपद एंड हिस्ट्री ऑफ मगध। तो चलिए शुरू करते हैं। महाजनपद इम्प्लाइज टू बिग टेरिटोरियल स्टेट नोन फॉर फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, अच्छे स्थापित व्यापार की श्रृंखला और बड़े बड़े भूमि वाले शहरों को महाजनपद कहा जाता था। मोर ओवर दे हैड वेल इस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी विच इंक्लूडेड मोनार्की, ऑलिगो आर्की एंड रिपब्लिक। और उससे भी ऊपर उठकर उनके पास अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब शासकीय मशीनरीज भी थी, जिनमें से थे मोनार्की यानी कि राजा जहाँ पर राज करता है, ऑलिगार्की मीन्स जहाँ पे एक से अधिक लोग राज करते हैं, एंड रिपब्लिक मीन्स जहाँ पे पब्लिक का राज होता है। वी ट्रेस द इंफॉर्मेशन अबाउट द महाजनपद फ्रॉम बुद्धिस्ट बुक। हम महाजनपद के बारे में जो सूचना होती है हमें वो बुद्धिस्ट बुक अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से मिलती है, और जैन की एक बुक है भगवती सूत्रा, यहाँ से महाजनपद के बारे में हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। तो आप इन बुक्स को ज़रूर लिख लीजिएगा। ये हैं 16 महाजनपद, इनकी सारी आप राजधानी भी याद कर लीजिएगा, राजधानियाँ भी पूछता है यूपीएससी में, सम इम्पॉर्टेंट महाजनपद। तो अंग जो कि भागलपुर एरिया ऑफ बिहार में है, मल जो कि ट्राई जंक्शन ऑफ यूपी बिहार एंड झारखंड है, झारखंड यूपी और बिहार के जहाँ पे तीनों मिलते हैं उस बिंदु को मल कहा जाता था। कुरु जो कि दिल्ली के पास था, जिसे दिल्ली भी कहा जाता है आज। सुरसेना जो कि आज का मथुरा है। चेरी जो कि आज का बुंदेलखंड है। मत्स्य जयपुर का एरिया। कंबोज बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। गंधार पाकिस्तानी पंजाब। माहिष्मती हैदराबाद। तो माहिष्मती बाहुबली नहीं, ये हैदराबाद में था। इनिशियली काशी एंड कौशल वर वेरी पावरफुल। काशी और कौशल शुरू शुरू में बड़े ही शक्तिशाली थे। विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू देयर रिच फर्टाइल सॉयल, किसके कारण थे, उनकी जो उर्वरक मिट्टी थी उसके कारण। विच फैसिलिटेटेड प्रोडक्शन ऑफ काटन एंड फर्दर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसने काटन कपास के और कपड़ों की जो इंडस्ट्री थी उसको सुव्यवस्थित किया। अब इमरजेंस ऑफ मगध एज मोस्ट पावरफुल महाजनपद। तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद उभर कर सामने आया, उसके पीछे क्या रीजन थे, क्या कारण थे वो देखते हैं। मगध वाज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, बड़ी ही अच्छी जगह पे लोकेशन थी, पहला रीजन तो यही हो जाता है। इट्स कैपिटल वाज राजगृह और गिरिव्रज, इसकी जो राजधानी थी उसे राजगृह या गिरिव्रज भी उसे कहा जाता है। तो वाज सराउंडेड बाई फाइव माउंटेन्स, 5 पर्वतों से घिरी हुई थी। विच इन टर्न प्रमोटेड इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसने इसकी सुरक्षा को सिक्योरिटी दी। एंड प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिवर चैनल्स फैसिलिटेटेड ट्रेड एंड कॉमर्स, तो बहुत सारी रिवर चैनल भी थी जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छा व्यापार हो सका। हिमालयन रिवर ब्रॉट वेरी फर्टाइल सॉइल विच इन टर्न प्रमोटेड एग्रीकल्चर, तो हिमालय की जो नदियाँ थीं वो बड़ी उर्वरक मिट्टी लेकर यहाँ पे डिपॉजिट करती रहती थी, सेडिमेंट लाती थी, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ही अच्छे से फला फूला। मगध वाज हैवीली फॉरेस्टेड एंड वेरी गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर वाज सोर्स्ड फ्रॉम इट। मगध का रीजन जो था वहाँ पे बहुत ही घने घने जंगल थे और बहुत ही अच्छी तरह की इमारती लकड़ियाँ वहाँ से प्राप्त की जाती थी। सो मगध वाज लोकेटेड ऑन द अबोर्ड ऑफ आयरन रिजर्वायर। मगध जो था जहाँ पे लोहे की बहुत ही रिच मात्रा मतलब बहुत ही अधिक मात्रा लोकेटेड थी, तो वहीं पे मगध था। विद आयरन दे क्रिएटेड गुड क्वालिटी ऑफ टूल्स, लोहे की वजह से उन्होंने अच्छे अच्छे हथियार भी बनाए। द मगध सोसाइटी एंड द रूलर्स वर अनऑर्थोडॉक्स एंड एंटरप्राइजिंग, तो मगध सोसाइटी और जो उसके शासक थे वो अनऑर्थोडॉक्स थे, मतलब जो प्रिमिटिव रिचुअल्स से उनको मानने वाले नहीं थे, एंड एंटरप्राइजिंग और वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार में भरोसा करने वाले थे। दे फॉलोड थिंग्स मेंशन्ड इन
धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र जो था वो एक तरह से यह मानता था कि कर्म ही धर्म है, क्योंकि पहले की जो सोसाइटी थी वहाँ पे क्या होता था कि माना जाता था कि जो समुद्र पार करके जो ट्रेड किया जाता था वह टैबू माना जाता था एक तरह से। तो धर्मशास्त्र में इसका विरोध होता था, तो यहाँ के जो रूलर्स थे वो धर्मशास्त्र के को फॉलो करते थे, विच वॉज गोइंग अगेंस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि उनके व्यापार के अगेंस्ट में था। नाउ हिस्ट्री ऑफ मगध, तो मगध की हिस्ट्री देखते हैं। तो हारंगा डायनेस्टी सबसे पहली मगध की डायनेस्टी थी, जो कि 554 BC में आई उभर कर। फाउंडर जो थे बिंबिसार थे, 554 BC से 492 BC के बीच का इनका शासन काल था। बिंबिसार फॉलोड बोथ द पॉलिसी ऑफ मिलिट्री एनेक्सेशन एंड मैट्रिमोनियल अलायंस। तो बिंबिसार जो थे उन्होंने दूसरों की भूमि को हड़पा भी और वैवाहिक संबंध बनाकर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। गोइंग बाय मैट्रिमोनियल अलायंस ही मैरिड, तो जो वैवाहिक संबंध उन्होंने स्थापित किए उसके द्वारा उन्होंने 3 लोग औरतों से शादी की, जो कि थी महाकौशला देवी जो काशी से बिलोंग करती थी, चिल्लाना जो कि लिच्छवी से बिलोंग करती थी, एंड के खेमा जो कि मद्र इन पंजाब में है वो वहाँ से बिलोंग करती थी। तो ही एनेक्स द महाजनपद ऑफ अंग, उन्होंने अंग को हड़प लिया एंड प्लेस्ड इट अंडर हिज सन अजातशत्रु, अजातशत्रु, तो उसे अजातशत्रु के अंडर में दे दिया। ही ऑल्सो सेंट द फेमस फिजिशियन जीवक, जीवक वहाँ के फेमस फिजिशियन थे, टू क्योर, सॉरी दिस इज क्योर, अवंती रूलर चंद्रप्रद्योत। अवंती के जो शासक थे चंद्रप्रद्योत, उनको जॉइंटिस से सफ़र कर रहे थे। अब उनको ठीक करने के लिए जो फेमस फिजिशियन थे जीवक, उनको भी बिंबिसार ने भेजा। इट रिजल्टेड इनटू फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन टू किंगडम्स, तो यह दो साम्राज्य के बीच फ्रेंडली रिलेशन मतलब मैत्री संबंध बनाने में बहुत ही कारगर साबित हुआ। इन 490 BC अजातशत्रु असैसिनेटेड बिंबिसार टू बिकम नेक्स्ट रूलर, तो 492 BC में अजातशत्रु ने अपने ही पिताजी का मर्डर कर दिया, मतलब मार दिया अगला शासक बनने के लिए। हिज एलिवेशन टू द थ्रोन वॉज कंटेस्टेड बाय काशी एंड लिच्छवी, काशी और लिच्छवी के जो रूलर थे वो भी सिंहासन पर बैठना चाहते थे। एंड ही डिफीटेड काशी रूरल प्रसेंजीत एंड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड सिटी ऑफ वैशाली, और वैशाली की शहर को पूरा तरह से नष्ट कर दिया। इन द वार ही यूज्ड टू इनोवेटिव वार इंजन, वन वाज रथमूसला, रिवीलिंग मेस वाज अटैच्ड टू चैरियट। इसमें क्या होता था कि जो रथ होता था उसमें एक आगे बहुत बड़ा चक्र टाइप का लगा दिया जाता था और उसमें बहुत ही पैनी ब्लेड होती थी, तो वह राउंड राउंड घूमता रहता था। तो जैसे ही रथ चलता था उसके सामने जो लोग आते थे उनका गला कट जाता था। एंड महाशिला कांत का, इट वाज अ फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म टू कैटापुल स्टोन्स ऑन एनिमी, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ से हम बेसिकली जो उसमें पत्थर डाला जाता था और पीछे खींचा जाता था और फिर अचानक छोड़ा जाता था, जिससे कि शत्रुओं पर बड़े बड़े पत्थर फेंके जा सकें। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ अजातशत्रु वाज द ही कन्वीन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन 483 BC एट राजगृह, उन्होंने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को कन्वीन किया 483 BC में राजगृह, जो कि मगध की राजधानी थी। बुद्ध वाज कंटेम्परेरी टू बिंबिसार एंड अजातशत्रु, तो जो बुद्ध थे वह बिंबिसार और अजातशत्रु के समकालीन थे। ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र, अजातशत्रु ने क्या किया कि राजगृह से राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया। ही वाज नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट इट,
लेकिन वह इसे बनाने में समर्थ नहीं रहा एंड ही डाइड इन 460 BC और वो 460 BC में ख़त्म हो गया। द नेक्स्ट सक्सेसर उदयन, अगला जो उत्तराधिकारी था उदयन, कंस्ट्रक्टेड ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र की बहुत ही सुंदर शहर को स्थापित किया। द लास्ट रूलर ऑफ हारंग्य डायनेस्टी, नागदशक, अंतिम जो रूलर था हारंग्य डायनेस्टी का नागदशक, वाज असैसिनेटेड बाय हिज ओन मिनिस्टर शिशुनाग, वह शिशुनाग द्वारा मारा गया इन 412 BC 412 BC में। तो यहाँ से हमारे वीडियो को अंत होता है। टॉपिक फॉर नेक्स्ट लेक्चर इज शिशुनाग, नंद एंड मौर्य डायनेस्टीज। तो हम अगले वीडियो में अशोका के बारे में भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और आपने अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड कमेंट भी करें। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।